हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? मैं ठीक हूँ। ये कि आप सब ठीक होंगे। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पूजा और लाइफस्टाइल में। तो दिन की शुरुआत हो चुकी है। मैं अभी फर्स्ट मॉर्निंग ड्रिंक में ले रही हूँ गुनगुना पानी। सुबह उठते ही मैंने 2 गिलास पानी पी लिया है, वो भी मैं हल्के गुनगुने ही करती हूँ। और अभी भी मैं मतलब नहाने के बाद एक मॉर्निंग ड्रिंक ले रही हूँ। उसके नहाने से पहले मैंने अपने 30 मिनट आज वॉक की है छत पे। और अभी टाइम हुआ है 8:30 बजे का। मैं अभी फर्स्ट मॉर्निंग ड्रिंक ले रही हूँ, थोड़ी लेट हो गया है। बस मैं आधे घंटे तक अपना ब्रेकफास्ट कर लूंगी, 9 बजे तक अपना ब्रेकफास्ट मैं कर लूंगी। और ब्रेकफास्ट मेरा ज्यादा हैवी कुछ बनाने का मन नहीं कर रहा, कुछ खाने का भी हैवी मन नहीं कर रहा। तो उसके अकॉर्डिंगली मैं देखती हूँ क्या बनाती हूँ, क्या खाती हूँ। मैं आपको जरूर दिखाऊंगी, मैं आपको अपने तीनों मील्स दिखाऊंगी अपनी वेट लॉस जर्नी के दौरान। अपने तीनों टाइम आज क्या खाऊंगी, जिससे वेट लॉस बहुत जल्दी एंड फास्ट तरीके से होता है। जिनका वेट लॉस नहीं हो रहा है उनको काफी हेल्प मिलेगी ये चीजें खाने से। तो चलो मैं फटाफट पानी पी लेती हूँ, फिर मैं आपसे आगे सीधा डायरेक्ट ब्रेकफास्ट पे मिलती हूँ। गाइज, ब्रेकफास्ट का टाइम हो गया और मैं ब्रेकफास्ट में आज बनाने लगी हूँ, इनफैक्ट खाने भी लगी हूँ। पीनट बटर सैंडविच बनाने लगी हूँ, जिसके ऊपर मैंने 1 स्पून ये पीनट बटर लिया है। दोनों के दोनों ये ब्रेड पे मैं अच्छे से इसको फैला लूंगी। देखती हूँ, मैं एक खाती हूँ, 2 स्लाइस खाती हूँ। बट आप अगर खाते हैं, आपको भूख ज़्यादा है तो आप 2 स्लाइस भी ले सकते हैं। एक ही स्लाइस प्रेफर कर रही हूँ और फुल बनाना मैं लूंगी इसके ऊपर ये टॉपिंग करके। अगर आप इसमें हनी थोड़ा डालना चाहते हो तो हनी भी आप लगा सकते हैं, स्प्रेड कर सकते हैं। बट मैं नहीं, मैं क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत ज़्यादा मीठा हो गया है, क्योंकि पीनट बटर है और ऊपर से बनाना भी है। तो गाइस, ब्रेकफास्ट रेडी करके आ चुकी हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया था, मेरे को बहुत ज्यादा भूख नहीं है, तो उसके अकॉर्डिंग सिर्फ मैंने एक स्लाइस ब्रेड लिया और साथ में पीनट बटर लगाया 1 स्पून और उसके ऊपर एक पूरा मैंने बनाना लिया है। तो इससे पेट काफ़ी हद तक क्या पूरा का पूरा भर जाता है, जिसको ज़्यादा भूख भी उसका ही भर जाता है। बट अगर आपको बहुत भूख है तो आप 2 ब्रेड स्लाइस ले सकते हैं। और पीनट बटर ऐसे नहीं कि हम खा नहीं सकते हैं, हम खा सकते हैं। कभी कभी वीक में हम 2 से 3 बार खा सकते हैं। और साथ में मैंने 1 कप आज लिया कैमोमाइल टी लिया मैंने, और मेरा मन कर रहा था कुछ गर्म गर्म साथ में इसके पीने का, तो मैंने यही आज प्रेफर किया है। मिल्क वाली टी अभी मेरा पीने का मन नहीं है। जिस टाइम पूरा दिन में मेरा किसी भी टाइम पीने का मन होगा तो मैं ज़रूर एक बार पीऊँगी, क्योंकि अभी ठंड है, विंटर्स में अच्छी लगती है ये कोई ना कोई ड्रिंक पीना, मतलब कोई ना एक बार तो चाय पीना बनता है ना विंटर्स में। इसलिए मैं पूरा दिन में किसी भी टाइम मेरा इवनिंग में दोपहर में मन किया तो मैं पी लूंगी। अभी मैं कैमोमाइल टी पी रही हूँ इसके साथ, तो इससे पेट भर जाएगा। अगर आपको ये नहीं खाना है तो आपके घर जो बनता है, परांठे, वर्समिली, ओट्स, रोटी, सब्जी, जो आपके घर बनता है आपको वही खाना है पोर्शन कंट्रोल करके। तो बस मेरे नाश्ते की प्लेट में आज ये है, और जो मैं खाती हूँ आपको मालूम है वही दिखाती हूँ। तो आज मेरा नाश्ते में ये था, तो मैं आपको ये दिखा रही हूँ। ऐसा नहीं कि मैं मतलब दिखाने के लिए कुछ और खाऊंगी, ऐसा नहीं होता है। जो मैं खा रही हूँ आपको भी दिखाऊंगी, और ये काफ़ी अच्छा होता है हमारी वेट लॉस जर्नी में। तो इसको खाते हैं, मेरे को बहुत अच्छा लगता है इसकी टॉपिंग बनाना इसके ऊपर। अगर आप कुछ और फ्रूट रखना चाहते हैं तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बहुत बढ़िया है, और एक परफेक्ट ब्रेकफास्ट है हमारा दिन की शुरुआत करने के लिए। विंटर्स में अच्छी लगती हैं चीज़ें। तो चलो मैं आराम से अपना ब्रेकफास्ट करती हूँ, फिर मैं आगे आपको मिलती हूँ। A few moments later. लंच रेडी करके आ चुकी हूँ, जिसमें एक आलू का पराठा है, साथ में गर्मा गर्म चाय है। और मैं आलू के पराठों को सर्दियों में चाय बहुत अच्छी लगती है, और विंटर्स में जो मेरे को डेली देखते हैं उनको मालूम होगा कि मैं अपना दही नहीं खाती हूँ विंटर्स में, मेरा गला खराब हो जाता है। मैं चाय कभी कभी ले लेती हूँ। और मैं किसी का कॉमेंट भी आ रहा कि आप चीनी वाली चाय पीते हो, तो मैं चीनी वाली चाय नहीं पीती हूँ, मैं गुड़ वाली पीती हूँ या शक्कर वाली। कल गुड़ वाली चाय थी और आज है शक्कर वाली चाय, तो मैं चीनी इस्तेमाल नहीं करती हूँ, मेरे घर में चीनी है ही नहीं। तो आज मैंने बनाया आलू का एक पराठा, मैंने दिखाई नहीं है स्टफिंग, आपको मालूम है सिंपल स्टफिंग जो मैं डेली बनाती हूँ, प्याज जो मैं बनाती हूँ, प्याज वगैरह सब कुछ डाल के मसाले वगैरह एक पराठा बनाया। बस मैंने घी में, और घी हम खा सकते हैं वेट लॉस जर्नी में, गुड फैट में काउंट किया जाता है। इनफैक्ट घी खाना ही चाहिए ताकि आपके फेस से ग्लो ना जाए वेट लॉस करते वक्त। तो बस आलू का पराठा विद चाय आज मेरे लंच में, तो मेरा बड़ा मन कर रहा था इसलिए मेरे को लगा आज मैं यही बनाती हूँ। और वैसे भी सुबह से अभी तक धूप ही नहीं निकली है, तो जो ठंड लगती है ठंड में मैं क्या करूँ। मेरे को अब की बार ऐसा हो रहा है कि ना मैं चाय पी ही लेती हूँ विंटर्स में, और गर्मियों में तो मैं पीती हूँ, जैसे कि आपको मालूम मेरे को डाइजेस्ट नहीं होती है, तो विंटर्स में मैं एक टाइम पी ही लेती हूँ। तो
तो ये बहुत ज्यादा ही अच्छी बनी है चाय भी, और ये पराठा भी बहुत अच्छा बना है, दोनों के दोनों परफेक्ट है। और आलू के पराठे के साथ चाय एक बेस्ट कॉम्बिनेशन, आपको मेरी स्माइल से लग रहा हो कि हाँ सच में बेस्ट कॉम्बिनेशन है। अगर आप लोग ऐसे नहीं है कि वेट लॉस जूनियर पराठे नहीं खा सकते, आप खा सकते हैं ब्रेकफास्ट में, वैसे ज्यादा आपको अगर खाने का मन है तो आप ब्रेकफास्ट में ही खाएं। मेरा मन लंच में आके किया तो मैंने लंच में बनाया है, तो ब्रेकफास्ट में होता है ना कि हैवी हैवी चीजें आप खा सकते हैं, लंच में भी खा सकते हैं एक, और क्वांटिटी आपको पोर्शन कंट्रोल करके खानी है, 1 से 1.5। मैं हमेशा एक ही खाती हूँ पराठा, क्योंकि आलू की स्टफिंग है इसमें तो काफी ज्यादा कैलोरीज हो जाती है अगर हम 2 खाए तो, इसलिए मैं एक खाती हूँ, मेरा इससे पेट भर जाता है। आराम आराम से खाना है, स्लोली स्लोली तो आपका पेट भी भर जाएगा। तो चलो मैं अपना लंच इंजॉय करती हूँ, फिर मैं आपसे थोड़ी देर में मिलती हूँ। A few moments later. वो मेरे डिनर का टाइम हो गया, और डिनर में आज मैं खाने लगी हूँ 2 इडली विद सांबर। तो गाय डिनर का टाइम हो गया, डिनर में मैंने ये आज लेके आई हूँ, ये है सांबर और 2 इडली मैं खा रही हूँ। ये मैंने बाहर से, यहाँ पे पास में ही शॉप है वहाँ से लिया है, ये नहीं मैं बोलूँगी मैंने घर पे बनाया, मैंने पास से लिया, और काफ़ी हेल्दी ऑप्शन है हमारे ब्रेकफास्ट में, एंड इसको आप डिनर में भी खा सकते हो। तो आज मेरा मन किया कि मैं आज ये खाऊँ गर्मा गर्म, इसलिए मैंने 2 इडली ली और साथ में ये सांबर लिया। मैं आपको पास से दिखाती हूँ, जैसे कि आप देख सकते हो 2 इडली और ये थोड़ा सा सांबर है, टेस्ट करके देखते हैं ये है कैसी। काफ़ी अच्छा इडली भी सॉफ्ट और ना, जैसे इनका सांभर मेरे को पसंद आता है भैया का, क्योंकि ना ये खट्टा खट्टा बनाते हैं और मेरे को सांभर मीठा पसंद नहीं आता, कई लोग मीठा बनाते हैं खट्टा खट्टा ही पसंद आता है, तो ये काफ़ी टेस्टी है, इसलिए मेरे को लगा आज मैं यही खाती हूँ। और ये हेल्दी ऑप्शन है, अनहेल्दी नहीं है, इडली हम खा सकते हैं अपनी वेट लॉस जर्नी के दौरान। और अभी टाइम हुआ है 6:30 का, और मैंने कोई मैं किसी का कमेंट आया था कि आप अपने टाइमिंग्स बताया करो, ब्रेकफास्ट मैंने 9 बजे किया था, लंच मैंने 1:15 बजे करीब किया था, एंड डिनर अभी 6:30 हुए हैं, मैं डिनर अपना कर रही हूँ, तो बस आज मैं यही खाने वाली हूँ अपने डिनर में। तो ये काफ़ी अच्छा होता है, अगर आपको ये नहीं खाना जो आपके घर में बना है अवेलेबल है उसको आप पोर्शन कंट्रोल करके खाएं तो आपका वेट लॉस हो जाएगा। पहले मैं इसको खा लेती हूँ आराम से, फिर मैं आपसे मिलती हूँ, क्योंकि फिर ये ठंडा हो जाएगा और ठंडा ठंडा अच्छा नहीं लगता, गर्म गर्म ही अच्छा लगता। चलो मैं खा लेती हूँ, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। तो गाइज मैंने अपना डिनर डन कर लिया है, और आज की वीडियो बस यहीं तक थी, तीनों मील्स मैंने आपको दिखाए हैं, और मैंने इवनिंग में सिर्फ एक ग्रीन टी पी थी, और ग्रीन टी के साथ कुछ भी नहीं पिया, कुछ भी नहीं खाया सॉरी, और जो मैंने 11:30-12 बजे बस एक ब्लैक कॉफी, साथ में मैंने आज खाया था एक किन्नू बस, और आज मैंने ड्राई फ्रूट नहीं खा पाई, मेरा मन नहीं किया, और आप देख सकते हो मेरा गला कैसे हो गया है ना, बाहर थोड़ा बहुत सामान खत्म हो गया था, मैं बाहर लेने गई थी और उसके बाद मैं ये बाहर से आते हुए ये लेके आई थी अपनी इडली, और उसके बाद मेरे एक गले की बैंड बच चुकी है। दिल्ली में इतनी ठंड पड़ रही है, बहुत अब ठंड पड़ रही है, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ ना, मैं उनसे मेरी नेल्स है ना ये ब्लू हो जाते हैं, इतनी ठंड लगती है मेरे को, तो उसके कारण मैं अभी आके घर में मैंने अपना डिनर विनर किया, उसके बाद मेरे गले की ये हालत है। अभी मैं कोई ना कोई ड्रिंक लेती हूँ अपनी गर्म, पहले तो मैं गर्म पानी पीती हूँ अभी आपसे ये वीडियो एंड करने के बाद, उसके बाद मैं कोई ना कोई ड्रिंक लूंगी। तो आज देखते हैं, आज जैसे कि 31 दिसंबर है, तो आज आप लोग बताना आप लोगों का क्या क्या प्लान है नाइट में। कई लोग होते हैं पार्टीज करते हैं, कोई कुछ ना कुछ प्लान करते हैं, कोई सोच रहा होगा मूवी देखूंगा, होगा कि मैं बाहर जाऊंगा पार्टीज करूंगा, सबके अपने अपने प्लान्स होते हैं, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताना आप लोगों का क्या क्या प्लान है। तो कल से 1 जनवरी है, जो अपना वेट लॉस करना चाहते हैं उनके लिए एक परफेक्ट शुरुआत है कि वो अपना कल से 1 जनवरी के दिन ही अपनी शुरुआत करें अपने वेट लॉस जर्नी की, तो इससे बेटर कुछ हो ही नहीं सकता है। अगर आपको लग रहा है कि फर्स्ट है तो हमको खाना पीना है, तो आप सेकंड से करें, नए साल के दिन आपको अपनी वेट लॉस जर्नी स्टार्ट करनी चाहिए। कितना अच्छा है नया साल, और आप अपने बॉडी को भी होता है ट्रांसफॉर्मेट करें, आपकी जो मोटे हैं तो पतले हो जाए, पतले हैं तो मोटे हो जाए, जो भी है कुछ खाकर करना है आपको वेट लॉस। आपको बस ये सोचना है कि मेरे को अपना वजन अगर कम करना है तो मेरे को क्रैश डाइट पे नहीं जाना है, मेरे को सब कुछ खा के पोषण कंट्रोल करके अपना वजन कम करना है, हेल्दी वे में करना है, ताकि मैं बीमार ना पड़ूं, और हेल्दी हेल्दी खाना घर का खा के मेरे को अपना वजन कम करना, ताकि वो आगे जाके बढ़े ना। तो बस आज आपने तीनों मील्स देखे होंगे, अगर आप भी ऐसे पोषण कंट्रोल करके खाना खाएंगे तो आपका ही वजन कम से कम महीने में 6 से 7 किलो वजन जाएगा, और ये तीनों के तीनों मील्स परफेक्ट है। सुबह देखो मैंने एक ही खाली एक ब्रेड खाया था बनाना के साथ, और मैंने लंच में आज खाया था जैसे कि आपने देखा होगा एक ही आलू का पराठा खाया था, और अभी मैंने 2 इडली खाई है सांभर का। तो बहुत ज्यादा पोर्शन कंट्रोल करके मैं चीजें खाती हूँ, जिससे वजन बिल्कुल भी नहीं बढ़ता है। अगर आपको वजन कंट्रोल करना है, मेंटेन करना है, तब भी ये मेंटेनेंस पे है ये डाइट, अगर आपको लूज करना है तो आइए इससे आपका लूज भी होगा। तो काफी अच्छी चीजें मैं खाती हूँ जैसे कि आप देखते हैं। तो आज आप बताना आपको आज की मेरी डाइट, आपको आज की मेरी वेट लॉस जर्नी में जो मैंने क्या क्या खाया आपको कैसा लगा, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है। अगर आप नए हैं तो एक सब्सक्राइब करें, अगर आप पुराने हैं तो एक लाइक करना मत भूले। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, एंड सबको मेरी तरफ से एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर।